ईद में अब कुछ ही घंटों का फासला शेष रह गया है। बीते एक माह से तीखी गर्मी में भूख प्यास से महरूम रहकर पाक परवरदिगार की इबादत में लगे रोजेदारों के लिए भी खुशी का समय आ गया है। ईद को लेकर न सिर्फ घरों में बल्कि शहर की सभी मस्जिदों में तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। शहर में इसकी विशेष नमाज ईदगाह वाड़ी पर स्थित ईदगाह पर अदा की जाएगी। रोजेदार मुस्लिम समाज को गर्मियों के चलते किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए ईदगाह कमेटी ने पूरा ख्याल रखा है। गर्मी से बचने के लिए भी यहाँ पर कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसकी विशेष नमाज ईदगाह पर 5 जून को सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। इसके पहले जामा मस्जिद से ईदगाह जुलूस निकाला जाएगा, जो कि निचला बाजार सहित अन्य मार्गों से होकर सुबह 8:30 बजे ईदगाह पहुंचेगा। इसके बाद यहाँ पर नमाज अदा होगी। इसकी तैयारियां यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रही हैं। ईदगाह में रंगाई पुताई के साथ ही गर्मी से बचाव के लिए यहाँ पर शामियाना भी लगाया जा रहा है। ईद के दिन नमाजियों को कूलर की ठंडी हवा और जल उपलब्ध कराने के लिए भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही नमाजियों को भारी संख्या को देखते हुए यहाँ बड़ी संख्या में बिछात की व्यवस्था भी की गई है। अरे तुम आ जाओ, मैं उतार के खाए में यार, नहीं तो फोटो बिगड़ जाएगा, इतनी दूर आए। इधर मत देखना, ईदगाह का सचिव हूँ और ये ईदगाह की पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। पता ही हो चुकी है, टेंट व्यवस्थाएँ करवा ली गई हैं, अभी धुलाई करके भी निपटे हैं। और ईद की नमाज जो कि 9 बजे होगी, इंशाल्लाह 9 बजे जमात हो जाएगी। और ईद का जलूस 7 बजे जामा मस्जिद से रवाना हो, जो कि सदर बाजार होता हुआ, निचले बाजार होता हुआ, सीधा 8:30-8 बजे तक ईदगाह पहुँचेगा। ईदगाह वाड़ी पे। अच्छा, तो इसमें अपन 9 बजे जमात रखी है। 9 बजे जमात रखी है और आवाम की पूरी व्यवस्था के लिए सारी व्यवस्थाएं करी हैं। कूलर भी लगेंगे इधर, ठंडे पानी की व्यवस्था भी रखी जाएगी और इंशाल्लाह इसमें पूरे में टेंट लगेगा। पानी के लिए क्या व्यवस्था? पानी के कैंपर आ रहे हैं, 100 कैंपर हैं पानी के और 4 टैंकर हैं नगर पालिका की तरफ से, और सारी व्यवस्थाएँ पूरी बिछात है इसमें। और आवाम से हम गुजारिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा हो सके, वो सारे आदमी नमाज ईदगाह पर 9 बजे अदा करें। इंशाल्लाह 9 बजे ईद की नमाज होगी और मैं शहर की आवाम से चाहता हूँ कि सारी आवाम आकर देखे, व्यवस्थाएं करे, सहयोग दे हमें अभी।